dear students, I welcome you all in the new session of Haryana EduSet. Myself, Achana Arora, PGT Chemistry from GHS Rai, Sonipat. That is in Block Rai and District Sonipat. Dear students, we are dealing with aldehydes, ketones and carboxylic acids in the last videos. And this is now the next video of this chapter. Topics to be covered in this video will be nomenclature of carboxylic acids, preparation of carboxylic acids, structure of carboxylic acids, then physical properties of carboxylic acids, and lastly acidic nature of carboxylic acids. Dear students, nomenclature of carboxylic acids ki taraf hum padhte hain sabse pehle. और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कॉमन नेम्स होते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जो कॉमन नेम्स होते हैं, कहीं ना कहीं इनके जो ओरिजिनेशन है, जो ओरिजिनेट होते हैं जहां से, वहां से कहीं ना कहीं जनरेट हुए. तो मैं कह सकती हूँ कि लाइक हम पहले जैसे बात कर रहे हैं फॉर्मिक एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है हमें सबको पता है कि आंट के स्ट्रिंग्स में प्रेजेंट होता है. और आंट का जो लैटिन वर्ड है फॉर्मिका, जिसकी वजह फॉर्मिका से ही ये फॉर्मिक एसिड का नाम जनरेट हुआ. इसके बाद मैं बात करूंगी कि किसको, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं जहाँ दो कार्बन आ जाते हैं. और एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, यू ऑल नो दैट. एंड दैट विनेगर का जो लैटिन वर्ड है That is acetum, जिससे इसका acetic acid name generate. इसके बाद similarly हम बात करें butyric acid की, तो butyric acid भी butter से connected है और butter का दूसरा नाम होता है butyrum, इसीलिए इसका butyric acid connect. इसके बाद valeric acid की बात करते हैं, इसका proper name है valeric acid, common name, और ये valerian plant से generate हुआ है, तो इसीलिए इसको वैलेरिक एसिड. नाउ कम टू द आयोपैक नेमिंग. आयोपैकिक नेमिंग में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो ऑइक एसिड, मतलब नेमिंग जो है वो ऑइक एसिड से एंड होती है. तो सबसे पहले बात आती है जहां पहला कंपाउंड या पहला जो मेंबर होता है वन कार्बन सेट, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें इटसेल्फ भी वन कार्बन होता है, इसीलिए इसमें स्टार्टिंग कहां से होती है, HCOH. और एक कार्बन वाले को जैसे कि आपको पता है मीथेन से अटैच करते हैं और इसका सफिक्स होता है ऑइक एसिड, तो इसका नाम पड़ा मिथेनोइक एसिड. नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ दो कार्बन एटम आ रहे हैं, दो कार्बन से बनता है हमारा चेन इथेन, और क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसलिए इथेनोइक एसिड बोला जाएगा. अगेन थर्ड पे आते हैं हम, तो ब्यूटेनोइक एसिड, तीन और एक चार कार्बन एटम है इसमें, जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको भी काउंट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्यूटेनोइक एसिड. लाइक द सेम इसी प्रोसेस से इसका नाम पड़ा पेंटेनोइक एसिड, चार और एक पांच कार्बन एटम. अब बात करते हैं हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की. आप देखिए ये बोर्ड लाइन नोटेशन के थ्रू हमें दिखा रखा है कि ये फर्स्ट कार्बन के साथ तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है, सेकंड कार्बन के साथ आपका अमाइन ग्रुप अटैच्ड है, अमीनो ग्रुप, और तीन और एक चार कार्बन एटम पूर्ण पेरेंट चेन में इसमें है. तो इसका नाम जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, सेकेंड कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप अटैच है इसलिए टू अमीनो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन इज फोर, इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड. नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, तो देखिए आप इसके सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसको मिथाइल ग्रुप कहा जाता है, और देन थर्ड पर आपका यहाँ कीटो ग्रुप अटैच दिख रहा है जिसको ऑक्सो से, जब हम उसका प्रीफिक्स लेते हैं तो ऑक्सो लेते हैं, और अगर हम बात करें फोर्थ कार्बन एटम की तो इसको बोलेंगे हम अगेन मिथाइल ग्रुप अटैच. तो बच्चों इसका नेमिंग किस तरह से हम देंगे,
2,4-dimethyl, क्योंकि टू पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है और फोर पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए 2,4-dimethyl, और क्योंकि थर्ड पोजीशन पर कीटो ग्रुप अटैच है जिसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, तो 3-ऑक्सो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 5, दैट्स व्हाई पेंटेनोइक। इस तरह से मुझे लगता है आपको बहुत सिंपल फील हो रहा होगा और नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा टफ नहीं। नेक्स्ट हम एरोमेटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो पेरेंट मेन जो फॉर्मूला है उसमें क्या अटैच है। तो ये बेंजीन के साथ COH ग्रुप अटैच होने की वजह से इसे हम मेन कंपाउंड क्या ले लेंगे, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड में क्योंकि सेकेंड पोजिशन पर क्लोरो ग्रुप अटैच है और फोर्थ पोजिशन पर ब्रोमो अटैच है, और वही नोमेनक्लेचर लेते वक्त हम थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी एक रूल का ध्यान रखते हैं, तो 4-ब्रोमो-2-क्लोरो-बेंजोइक एसिड। अगेन यहां पर देखिए नेक्स्ट कंपाउंड में, नेक्स्ट मेंबर देखिए, इसमें थ्री पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल अटैच है, इसलिए 3-आइसोप्रोपाइल, और पेरेंट कंपाउंड तो बेंजोइक एसिड है। तो इस तरह से आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अब हम ध्यान रखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, लाइक हम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं उसके बेस पे भी। तो देखिए जहां दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होते हैं डायरेक्टली उसको हम कॉमन नेमिंग में तो ऑक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और क्योंकि दोनों में ही एक कार्बन अटैच है इसलिए इथेन, और दोनों पोजिशन पर इसलिए डाइऑइक एसिड, तो इथेन डाइऑइक एसिड भी इसको बोलते हैं। इसके बाद अगर हम इस कंपाउंड की बात, इस मेंबर की बात करें तो इसको कॉमन नेमिंग में मेलोनिक एसिड कहते हैं, परंतु अगर हम वैसे इसका नाम दें तो ये तीन कार्बन एटम से अटैच है इसलिए, और फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है इसलिए प्रोपेन 1,3-डाइऑइक एसिड। अगेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ही चौथा नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है सक्सनिक एसिड का, और अगेन वन टू सॉरी टू और फोर पोजीशन पर, वन और फोर पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है इसलिए 1-ब्यूटेन-1,4-डाइऑइक एसिड। ये देखिए ऐसे चेन बढ़ रही होती जा रही है और मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसको कहेंगे ग्लूटेरिक एसिड, और इसी तरीके से इसका नाम देंगे वन और फाइव पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड होने की वजह से पेंटेन-1,5-डाइऑइक एसिड। और ये बहुत ही कॉमन पॉलीमर्स में यूज होने वाला एडिपिक एसिड, और वही हेक्सेन-1,6-डाइऑइक एसिड इसका नाम देंगे। अब बात आती है इस तरह की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप देखेंगे कि इसमें आप तीन पोजीशन पर, अलग अलग तीन पोजीशन पर पेरेंट चेन में तीन कार्बन है और तीनों पोजीशन पर एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, तो यहाँ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं, और इनको नाम देंगे हम प्रोपेन 1,2,3-ट्राइकार्बोक्सिलिक। तो यहाँ डाई की जगह क्या आ गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, और इस तरह से इनकी नेमिंग दी। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कैसे, इनको प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से जो फर्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है वह है प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, उसके लिए हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं वो है KMnO4, बेसिक KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 की मतलब कह सकते हैं आप इसे, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में आप कर सकते हैं। किस तरीके से काम करते हैं ये देख लेते हैं। जब हम प्राइमरी अल्कोहल एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में काम रिएक्ट करता है तो ये सीधा ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। और सिमिलरली जब हम एल्डिहाइड्स को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू करते हैं तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्डिहाइड्स और एल्कोहल्स किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और ये कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं आपको बता दिया गया है। एक एग्जांपल के नाम पर देख लेते हैं हम कि हमने ले लिया इथेनॉल। इथेनॉल जब हम जब काम करता है
एसिडिफाइड, पोटाश, नम डाइक्रोमेट या एल्कलाइन के मोनोमर की वजह से, तो पहले एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद दोबारा से हम जब ऑक्सीडाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऑल्सो देखो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, परंतु कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एल्डिहाइड से किसी और रिएजेंट के थ्रू भी बन सकते हैं, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं लाइक टोलेंस रिएजेंट और पेलिंग्स, इन दोनों के थ्रू भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम एल्काइल बेंजीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्काइल बेंजीन से कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही ज्यादा विग्रस ऑक्सीडेशन होता है एल्काइल बेंजीन्स का, किसकी प्रेजेंस में, या तो क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में या एल्काइन के MnO4 की प्रेजेंस। और ये रिएक्शन कैसे होती है देखिए, एल्काइल बेंजीन हमने यहाँ पर टोलीन ले लिया है, जब हम इसका एल्काइन के MnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है, अपना बेंजोइक एसिड बना देता है। और यही अगर हम थोड़ा सा दूसरा ब्रांच एल्काइल बेंजीन ले लेते हैं तो उसमें भी ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देता है, बेंजोइक एसिड बना देता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज इन दिस मैनर, व्हाइल टर्शियरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज करके हम बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, बट टर्शरी ग्रुप में इस तरह से कोई रिएक्शन नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। नाइट्राइल्स मीन्स साइनाइड्स, साइनाइड्स में का जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चे स्टूडेंट्स, तो वो बनाता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वो बनाता है एमाइड्स, RCONH2, एंड देन व्हेन वी अगेन हाइड्रोलाइज दैट इन द एंड हीटिंग आल्सो देन इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स इसी का एक एग्जांपल कर लेते हैं, इथेन नाइट्राइल जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बनाता है आपका इथेन अमाइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ ही, एंड देन अगेन हीटिंग इन द एंड हाइड्रोलाइसिस चलता है तो इसी को हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट। जो ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि दिस इज आल्सो अ एसिड बेस रिएक्शन, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है वो है वाटर, जो हाइड्रोलाइसिस के लिए हम वाटर की हेल्प ले रहे हैं वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स और एस्टर्स। चलिए वन बाय वन देखते हैं कैसे ये काम करते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अच्छा ये जो रिएक्शंस होती हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ही होती हैं। आप देख रहे हैं कि ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ही फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसाइल हैलाइड्स की। एसाइल हैलाइड्स का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और साथ में वो बनाता है HCl। अब हम बात करें जब एसिड एनहाइड्राइड्स की, क्योंकि इसमें दो दो RCO ग्रुप अटैच होते हैं, जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये दो जो है दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ जनरेट करते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम एस्टर की और इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एल्कोहल भी देता है। एग्जाम्पल के नाम पे एक ले लेते हैं हम दोबारा एस्टर्स में से ही इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट का जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो C6H5COO के साथ तो H जुड़ जाएगा और C2H5OH जुड़ जाएगा, जिसको हम जनरली 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। ये है बेंजोइक एसिड और इथेनॉल बन जाता है। एसिडिफिकेशन रिएक्शन सॉरी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए भी एग्जांपल के नाम पर लेते हैं। तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस गिव्स, ये जो बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम, इट गिव्स अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक आयन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स। ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स होते हैं RMGX, यू नो दैट। और इसमें नेगेटिव पार्ट जो होता है इसका वो एल्काइल ग्रुप से होता है, पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो MGX ग्रुप से होता है। जब हम CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं
और फिर हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये क्या बनता है, आरसीओ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड सामने आता है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कि ये आप देखेंगे कि गिग्नर रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो आप हर चैप्टर में देखते आ रहे हैं, हर पार्ट में देखते आ रहे हैं, हर फंक्शन ग्रुप के साथ देखते आ रहे हैं, तो आपको ये काफी टफ नहीं लगने वाला है। तो देखिए, नेगेटिव पार्ट ऑफ आर एमजीएक्स ग्रुप, इग्नर्ट रिएजन ग्रुप, दैट गोज टू कार्बन ऑफ सीओ टू, जिसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, और इस तरह से इसके में इंटरमीडिएट से कंपाउंड बन जाएगा आर सीओ एम जी एक्स। एंड देन जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा जो H प्लस पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, इस O नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा, और हमारे को क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और जो नेगेटिव पार्ट ऑफ, जैसे जब वाटर टूटेगा तो H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो OH नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट MgX पॉजिटिव पार्ट, एंड दिस गिव्स MgOHX। तो दिस इज आल्सो नोन एज स्टेप अप रिएक्शन, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस इन प्रोडक्ट, क्योंकि हमने आर एम जी एक्स लिया है और जहां पर आर है और यहां पर बन रहा है हमारा आर सी ओ एच, तो एक कार्बन जो है वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अटैचमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन एटम बढ़ जाता है। तो दिस इज नोन एज स्टेप अप रिएक्शन, एक कार्बन एटम बढ़ने की वजह से इसे स्टेप अप रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के नाम पर ले लेते हैं, इथेन इथेन मैग्नीशियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद सीओ टू इट गिव्स प्रोपेनोइक एसिड। देखिए, इथेन से क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज नोन एज स्टेप अप रिएक्शन। नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारी आती है एल्कीन से और एल्काइन से, ये भी दो टाइप से होती है। पहले हम फर्स्ट टाइप को देखते हैं कि विगरस एक्सीडेशन विद अगेन फॉर्मिक एसिड या एल्कलाइन के एमिनोफोर की प्रेजेंस में। देखिए, जब हमारा एसिड लेते हैं तो बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड जो है वो अल्कलाइन के एमिनोफोर की प्रेजेंस में टूट जाएगा और वो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट। तो कार्बन एटम विद डबल बॉन्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, मतलब जिस भी कोई भी जो कार्बन एटम जो लेंगे का एल्कीन, उसमें कार्बन एटम जहां होगा, जहां पर बॉन्ड ब्रेक होना है, वहां कम से कम एक कार्बन एटम हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, तभी वो ब्रेक होगा और तभी वो जो है ऑक्सीडेशन करके COH जनरेट करेगा। CH होगा तो वो COH जनरेट करेगा, बनाएगा बाय ऑक्सीडेशन। तो एग्जाम्पल के नाम पे हम ले लेते हैं अभी फिलहाल सिमेट्रिकल एल्कीन में से ही, ये आपका हमने ब्यूटीन ले लिया है। ब्यूटीन का जब काम अल्कलाइन के ऑक्सीडेशन करेंगे हम, तो ये बनाएगा टू पार्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब बात करते हैं हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो वहां पर भी टू कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे बट थोड़े डिफरेंट बनेंगे। वहां पर सेम नंबर सेम टाइप के दो मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दो ही बनेंगे बट डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। तो जिस हिसाब से टूटेगा उस हिसाब से वो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से टूट गया है कार्बन, जैसे हमने एल्काइन ले लिया तो किस तरह से वो टूट गया है और टूटने के बाद वो किस तरह से जनरेट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अभी तक तो हमने बात किया सिंपल ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन तो होगा बट ओजोनोलाइसिस के प्रेजेंस में होगा, ओजोन ऑक्सीडेशन करेगा, और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी। तो मैं ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड रूप में नहीं कराती हूँ, मैं आपको फटाफट बताती हूँ कैसे होता है ये सेकेंड पार्ट ऑफ एल्कीन्स और एल्काइन्स का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। देखिए, सबसे पहले एल्कीन है, एल्कीन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होकर के एक बड़ा ही अच्छा सा कंपाउंड बना लेते हैं और ये ओजोनाइड कहलाता है। और फिर जब इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसको एल्कलाइन नेचर देंगे तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। सिमिलरली जब एल्काइन्स की प्रेजेंस में भी इसी तरह से होगा, बस ये है कि एक बॉन्ड कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा और फिर उसको यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड इसी तरह से बन जाए। तो ट्यूबिटीन का एग्जाम्पल लेकर के हम इस तरह से इसको इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। प्रिपरेशंस के बाद जो बात आती है वो किसकी आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैं आपको बताना चाहूंगी जो लोअर फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स कौन से होते हैं जो हायर मेंबर्स होते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, उनको हम जनरली क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स के। तो पर उसमें भी जो बहुत ज्यादा हायर नहीं होते, जो थोड़े से कम कार्बन एटम को कनेक्ट से कम कार्बन एटम की चेन वाले होते हैं उनकी बात करें हम, लोअर फैटी एसिड्स अप टू C10 कार्बन, मतलब इसमें 10 कार्बन एटम की चेन होगी, ऐसे फैटी एसिड्स जो है वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, बट द हायर वंस आर कलरलेस वैक्सीलिक सॉलिड्स। यहां तक तो वो लिक्विड होते हैं जहां तक सिर्फ 10 कार्बन एटम्स की बात, जैसे जैसे हमारी चेन बढ़ती जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और वो फैटी एसिड्स जो कहलाते हैं हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उन वो वैक्सीस सॉलिड्स के रूप में सामने। फर्स्ट थ्री मेंबर्स जो होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, उनकी बहुत ही ज्यादा पंजेंट ऑर्डर होती है, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। C4 से C9, चार कार्बन एटम से 9 कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स की हैव एन ऑर्डर ऑफ रेंसिड बटर, उनकी जो स्मेल होती है वो रेंसिड बटर की होती है, मतलब जो खराब सा बटर हो जाता है ना, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और जो हायर मेंबर्स होते हैं उनकी स्मेल कुछ खास नहीं होती। तो ये कुछ स्मेल से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बता दी। लोअर मेंबर्स आर हाईली सोलिबल इन वाटर, जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो तो बहुत अच्छे से सोलिबल होते हैं वाटर में, उनकी सोलिबिलिटी काफी अच्छी होती है, बट जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है सोलिबिलिटी कम होती जाती है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वो जिससे वो बन, मतलब देन दोज ऑफ एल्कोहल्स ऑफ सेम ऑर्डर, एल्कोहल जिनका मास लगभग इसी के बराबर होता है उनसे कहीं ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट्स। और वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अब अगर हम बात करें इनकी, तो देखिए किस तरह से आपके दो कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, तो ये जो पाई बॉन्ड है, जो कार्बन और ऑक्सीजन का RCO बॉन्ड जिसे कह सकते हैं, वहां पर बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री के राउंड होता है, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कार्बन और ऑक्सीजन की COH बॉन्ड के अंदर जो CO बॉन्ड होता है उसकी 1.382 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, मतलब कितनी हायर बॉन्ड सॉरी कितनी लोअर बॉन्ड लेंथ होती है। और जो OH ग्रुप की बॉन्ड लेंथ है वो भी लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, 0.97 मींस 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो बॉन्ड लेंथ मेंशन जो है ये फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल लेकर के है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप अटैच होते जाएंगे थोड़ी बहुत बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स जो है वो थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कार्बोक्सिलिक एसिड के शो करके आपको मैं बता दूं कि जैसे कार्बोक्सिलिक ये जो ऑक्सीजन होता है इसमें दो लोन पेयर होते हैं, इनमें से एक लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड बनाने के हेल्प करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है, और क्यों उसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है CO बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इस तरह से किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होता है ये आपको शो कर रखा है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और ये जो इसका जो जैसे अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पढ़ा, तो ये जो एच है ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाता है और H3O प्लस बना लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। देख रहे हैं आप ये कार्बोक्सिलेट आयन शो कर रखा है, कार्बोक्सिलेट आयन शो कर रखा है। अब जब आप नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है इसके, कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा
और क्योंकि वो पाई बॉन्ड यहाँ आने की वजह से इस वाला ये जो वाला जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट में क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पर शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड क्रिएट कर दे और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड है तो वो इस तरह से ये आपका रेजोन जो प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों का मिक्स है हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो यहाँ शो कर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर देन मिनरल एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक एसिड से में आते हैं तो ये आपको पता ही है कि मिनरल एसिड से थोड़े से वीक होते हैं बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स और सिंपल एल्कोहल्स और फिनॉल से ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। एसिडिक और कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पे क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ना यहाँ पर ये कंजुगेट बेस के रूप में काम करता है सीबी हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे। तो जो है कितना स्टेबल ये है कार्बोक्सिलेट आयन उस पर डिपेंड करती है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जहां प्लस आई ग्रुप अटैच होते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस को डिक्रीज करते हैं क्योंकि दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये आपको यहाँ पर शो कर रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वो लेस एसिडिक हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। परंतु वहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स माइनस आई ग्रुप अगर अटैच हो जाते हैं तो एसिडिक कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इसी के नाम पर हम थोड़े से एग्जांपल्स को शो कर लेते हैं कहां पर किस तरह से एसिडिक नेचर शो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से वो क्या बनाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट बना लेता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बना बाहर निकलता है। तो इसके बाद एग्जाम्पल के नाम पर ले लेते हैं कि हमने यहाँ पर बेंजोइक एसिड ले लिया है तो यहाँ पर सोडियम सॉरी बेंजोइक एसिड नहीं इथेनोइक एसिड ले लिया तो यहाँ पर सोडियम इथेनोइड बन गया है। सिमिलरली जब एनएओएच के साथ रिएक्ट करेगा तो अगेन वो वही बनाएगा पर साथ में यहाँ पर क्या बनेगा वाटर बनेगा। यहाँ पर भी हमने प्रोपेनोइक एसिड ले लिया है तो यहाँ पर क्या जो प्रोडक्ट सामने आया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद तो ये एक जनरल एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन हमने शो कर दी है यहाँ पर सोडियम प्रोपेनोइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब भी ये क्या बनाता है अगेन वही कार्बोक्सिलेट बनाता है सोडियम कार्बोक्सिलेट और यहाँ पर वाटर बाहर निकलता है और CO2 बाहर निकलती है। और CO2 कैसे पता चलेगी हमें कैसे बाहर निकल रही है ब्रिस्क एफॉर्मेशन शो होंगी यहाँ पर इसके अंदर। और यूज्ड ये कहाँ यूज में आएगी फिनॉल और कार्बोक्सिलिक ये रिएक्शन पर्टिकुलरली कहाँ यूज में आएगी जहां फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जबकि जो है अपना जो ये अपने कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रिएक्ट करते हैं क्योंकि फिनॉल जो होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं। एग्जाम्पल के नाम पर आप देख ही रहे हैं ये रिएक्शन मैंने आपको दे रखी है। नेक्स्ट हम होम असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको आपको कन्वर्ट करना है बेंजोइक इथाइल बेंजील किस तरह से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है इन प्रिपरेशन के बेस पे आप करेंगे। एसिटोफिनोन कैसे बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट हो सकता है ये आप करेंगे। ब्रोमो बेंजीन कैसे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है और स्टाइरिन किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको उल्टा दिया है आपको मैंने स्ट्रक्चर्स भी यूपैक नेमिंग बनानी सिखाई है आपको बट अब मैंने आपको नेमिंग दी है और आपको स्ट्रक्चर्स बनाने। आई होप आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाएंगे और बहुत अच्छे से इनको परफॉर्म कर पाएंगे और आपको ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज और जो भी जनरल टॉपिक्स इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बचे हैं वो आपको करा दीजिए। थैंक यू हैव अ नाइस डे।